हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज हम जा रहे हैं वृंदावन और बरसाना वृंदावन, तो आप गाइज वहाँ के दर्शन करेंगे श्री कृष्ण जी के, ठीक है। और गाइज वहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, प्रेम मंदिर, स्कॉन टेम्पल, गाइज बहुत सारे मंदिर है, तो आप सबको दर्शन कराएंगे आपको। कृष्ण नेशनल हाईवे 1 से फॉलो करते हुए आज हम आपको लेके चलते हैं हम वृंदावन, श्री धाम वृंदावन, बांके बिहारी, बरसाना टेम्पल, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के हम आपको दर्शन करवाएंगे। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। अभी हम अपना जो टूर हमने जो स्टार्ट किया है वो अम्बाला से स्टार्ट कर रहे हैं। अम्बाला से आपको हम रास्ते में दिखाएंगे कौन से रास्ते से जाना है, कैसे जाना है, कहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, कौन सा आपको बेस्ट इकोनॉमिक प्लेस पड़ेगी, आपको होटल कौन सा चूज़ करना है, कितने बजे जाएंगे, क्या खाना पीना रहेगा, सारी डिटेल्स हम आपको इस ब्लॉग में देते रहेंगे। सो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। ये हमारे मेन कैप डेविड डिविलियर्स सर। हेलो गाइस, तो हमारे टीम मक्खन जी है, ठीक है। और अंधेरा पट ये हमारे बबलू जी, देख सकते हो। तो गाइज अभी हम निकल चुके हैं अपने सफर की ओर। गाइज हम अब अम्बाला पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो गाइज हम ना सोचते हैं खाना खुना खा लेते हैं। तो हमारे फ्रेंड्स ने कहा कि अम्बाला स्टेशन आएगा उसके पास ढाबा डिबे होते हैं, तो वहाँ खा लेंगे। तो गाइज हम अम्बाला आ चुके हैं स्टेशन के सामने का गाइज ये व्यू है। तो हमने गाइज खाना खुना तो खा लिया था, उसके बाद निकल पड़े उसी टाइम को। गाइज टाइम तो बचा नहीं क्योंकि 6-7 घंटे का रास्ता है। गाइज हरियाणा से वृंदावन की दूरी गाइज 230 किलोमीटर है और दिल्ली से 160 किलोमीटर, ठीक है। और गाइज हमारे राजपुर से पंजाब से गए 421 किलोमीटर है। तो गए जो बहुत ही लंबा सफ़र है, तो गए आपको पता है टाइम तो लग गई। तो हमारा सफ़र जारी है, हम जा रहे हैं। तो गाइस सुबह के ना 7:30 हो चुके हैं, अब हम आई पहुंच चुके हैं हम कहाँ। तो गाइस ये ना हाथरस और सदाबार आगरा की ओर का हाईवे है गाइस, बट हम गाइस दिल्ली नहीं जाएंगे, दिल्ली से ऊपर से ही घूम लेंगे पीछे से ही। गाइस यही हाईवे है जो बहुत ही लंबा है गाइस, 400 किलोमीटर का हाईवे है ये। और गाइस इसकी रोड जैसे कितनी ब्यूटीफुल बनी है। दिल्ली से इसलिए नहीं गए क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत होता है और हमको और टाइम हो जाता है, इसलिए हम गए ऊपर दिल्ली के बाहर बाहर से ही निकल गए, नेशनल हाईवे से निकल गए। गाइस गाइस ये नेशनल हाईवे 400 किलोमीटर का है। गाइस हम पहुंच चुके हैं मथुरा वृंदावन गोकुल गोवर्धन पर्वत। तो गाइस यहाँ से हमारा सफर वृंदावन की एंट्री हो जाएगी गाइस, ठीक है। तो गाइस सफ़र बहुत ही अच्छा रहा गाइस, बहुत ही अच्छी पॉजिटिव फील हो रहा है अभी से ही, बट अभी वहाँ पे पहुँचे नहीं है, पहुँचेंगे तो क्या होगा। वो आपको बता दूं कि आपको मौका मिले तो जरूर यहाँ पे आए वृंदावन, जरूर आए भगवान जी के दर्शन करें, ठीक है। तो गाइस ये जैसे होते हैं हमारी है यमुना नदी गाइज, फोन के नीचे ही जैसे तो जो आपको पानी दिख रहा है वाटर, और गाइज यमुना नदी का है। गाइज ये यमुना नदी आपके सामने देख सकते हो, यमुना नदी, इसको आप यहीं से प्रणाम कर सकते हो। गाइज आपको घर बैठे ही वृंदावन के मथुरा वृंदावन गोकुल प्रेम मंदिर बाकी भारी मंदिर सबके दर्शन करने को मिलेंगे गाइस घर बैठे ही आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करनी है, बेल आइकन दबा दीजिए। तो गाइस हमारा सफर अभी जारी है,
गाइज यहाँ से जाते सर हम पहले स्टे करेंगे किसी आश्रम में और वहाँ पर नहाएंगे धोएंगे आइसक्रीम खाना पीना खाएंगे, उसके बाद निकलेंगे हम कहाँ बाकी बिहारी मंदिर के लिए। पहले गाइज पहले बैठ जाएंगे पहले जाएंगे हम बाकी भाई मंदिर, उसके बाद जाएंगे कहीं और। ठीक है तो गाइज जैसे तो यहाँ से हमारी वृंदावन के अंदर मेन एंट्री हो चुकी है जहाँ से मंदिर स्टार्ट होते हैं। गाइज मैं आपको बता दूँ वृंदावन के अंदर कुल 6000 मंदिर हैं गाइज, बहुत ही अच्छे से मंदिर, बहुत ही यहाँ पर धार्मिक स्थान है, आपको आके यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव फील होगा। ठीक है तो अभी गाइज सफ़र जारी है, गाइज सफ़र से बहुत ही थक चुके हैं हमारे फ्रेंड्स और मम्मी, बट क्या करें पहुँचना तो है। तो गाइज ये दोस्तों हाईवे है, बहुत ही अच्छा हाईवे बना, जैसे गुलदस्ते लगे हैं, लाइटिंग लगी हुई है, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है आपको देखने में, बहुत ही अच्छा नजर आओगा। तो गाइज हम वृंदावन के अंदर गलियों के अंदर एंट्री हो चुके हैं। गाइज आपको ना राइट साइड में दिखेगा अभी प्रेम मंदिर, ठीक है, और थोड़ी दूर पे ये हम अभी चल रहे हैं, आपको बताता हूँ जब दिखेगा तो आपको दिखाऊंगा। ठीक है तो गाइज ये देख सकते हो हमारे राइट साइड में है प्रेम मंदिर। गाइज बहुत ही विशाल और बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। तो गाइज यहाँ पर भी आपको घुमाऊंगा अंदर से। ठीक है तो अभी जा रहे हैं आगे की ओर हम। गाइज अभी ना आश्रम ढूंढने के सोचो टाइम है, गाइज बहुत ही थक चुके हैं और कुछ रात को कुछ खाए भी नहीं हमने, तो अभी आश्रम ढूंढ रहे हैं अभी। तो आप पता ही आपको आश्रम कितने सारे होते हैं वृंदावन, बहुत सारे आश्रम हैं, बहुत सारे। एक कृपा जी महाराज का आश्रम था गाइज, बट हम स्टे करेंगे वहाँ पर जहाँ पे हमको बेटर लगेगा। गाइज नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगा वृंदावन और बाकी वाले मंदिर।